परम आदरणीय हमारे प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री जी, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज जी, अपर सचिव प्रमोद जी, हमारे सहयोगी साथी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृषि देवेश जी, कृषि विभाग में तकनीकी सलाहकार राजीव जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर मिस मिया जी, मैं सबसे पहले तो कृषि मंत्रालय को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को इतने महत्वपूर्ण विषय पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए चयन किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के 32 राज्यों या केंद्र शासित राज्यों के जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर्स हैं, या अन्य प्रकार से वो कृषि विभाग से कृषि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन तमाम सारे लोगों को जो आज के इस पूरे दिन की कार्यशाला में उपस्थित हैं, आप सबका हमारे प्रदेश में बहुत बहुत अभिनंदन है। मुझे बताया गया कि आप आज के पूरे दिन की कार्यशाला के बाद कल आप में से काफी लोग प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या भी जाएंगे। कल ही मैं पूरे दिन अयोध्या था, कल मैं रात में देर से अयोध्या से लौट करके आया। आप जाएंगे तो अयोध्या में भगवान राम के आने से जो एक नया वैभवशाली एक स्वरूप अयोध्या को भरा है, आप उसे देख पाएंगे। और साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम का इतने सालों के बाद, लगभग 500 सालों के बाद जो वहां पे आगमन हुआ है, उनका साक्षात दर्शन कर पाए। कल मैं 22 जनवरी के जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसके बाद में गया था और वहां मूर्ति के सामने बैठ करके या वहां खड़ा होकर के मुझे इतनी ज्यादा ऊर्जा मिल गई थी, मैं उसका बयान नहीं कर सकता। कहीं उससे ज़्यादा जब मैं 22 जनवरी को उस दिन प्राण प्रतिष्ठा था, कल जब मुझे वहाँ पे कुछ 2-4-5 मिनट मुझे मिले, मैं समझता हूँ कि आप सबको उसका लाभ मिले। आज के विषय जो है एग्री स्टैक, इसकी शुरुआत हुई जब माननीय वित्त मंत्री जी ने इसके बारे में 2022 के अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया कि एग्री स्टैक के ऊपर भारत सरकार का बहुत बड़ा जोर होगा और इसके माध्यम से कृषि विभाग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का कोशिश होगा जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संभाषणों में इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई पब्लिक मंच से, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय हमारे प्रदेश में इसकी स्थिति शून्य थी। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि एग्री स्टैक पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसके पहले की इसकी कहानी, उत्तर प्रदेश की कहानी बताऊं, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से इसको समझाता हूं। तो आप बड़े सारे लोग इतने वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के, कृषि सेवा के अधिकारी हैं, यहाँ जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, अगर ये मान लीजिए कि सबका एक नाम हो, सबको हम लोग ह्यूमन 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 कहें, क्या आप वो सब काम कर सकते हैं जो आप काम कर रहे हैं? कोई कर्नाटका, कोई तमिलनाडु, कोई मध्य प्रदेश, कोई कहाँ कहाँ के, कोई विभिन्न पदों पे आसीन है, विभिन्न प्रकार से आप काम कर रहे हैं। आपका जो टिकटिंग की व्यवस्था हो, आपने आने की व्यवस्था की, आपके आने जाने रहने की व्यवस्था हो, आपके काम करने के लिए आपकी जो शिक्षा की व्यवस्था, अगर हम सबको एक नाम दे दिया जाए, बिकॉज वी आर ऑल, एक चीज हम सब में कॉमन है कि हम मानव हैं, हम सबको मानव दे दिया जाए, तो सोचिए कि कितना मुश्किल काम होगा कुछ भी करने के लिए। हम सबको इतनी सारी संभावनाएं निकल कर के आ रही, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, पढ़ने बच्चा पैदा होने से लेकर के जब तक परमेश्वर की कृपा से हम इस धरती माँ पे रहते हैं, तब तक आपके हर चीजें आपके नाम से, जो आपके माता पिता ने जो नाम दिया उस नाम से ही आप आगे बढ़ते हैं।
आप सोचिए कि इतने सालों से उत्तर प्रदेश में हमारे लगभग 7.82 करोड़ प्लॉट्स हैं। हमारे यहाँ 1.08 लाख राजस्व गांव हैं और इन सारे गांव के सारे प्लॉट्स को एक नाम से प्लॉट के नाम से जाना जाता था, नंबर उसको जोड़ दिया हुआ था, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गांव के हिसाब से नंबर दिया हुआ था, लेकिन उस नंबर का कोई मतलब नहीं था। ओनली रेफरेंस के लिए फिजिकली आप उसको इतना कर लेते थे कि उस प्लॉट में ये बोया प्लॉट होता था, वो सारा सारा फिजिकल तरीके से हो रहा था। लेकिन जहां आपने उसे डिजिटल कर दिया, आपने उसमें पंख लगा दिया और फिर जैसे कि हम आपका टिकट भी हमारा बुक हो रहा है, हमारी पढ़ाई हो रही है, हमारा जो कुछ भी सब कुछ हो रहा है, सारा सारा हमारी इतनी सारी चीजें, इतने असीम संभावनाएं बन गई। क्योंकि पहले लोगों ने केवल गांव था, गांव का नक्शा बनाया, नक्शे पे प्लॉट के नंबर दिए, लेकिन वो सारे नंबर फिजिकल नंबर थे, स्टैटिक नंबर थे। जहां आपने डिजिटल किया, डिजिटल बाद में डायनेमिक हो गया, वैसे जैसे कि हम सबका सारा का सारा डिजिटल अकाउंट से सारा डायनेमिक हो गया। ये फर्क आया हमारे एग्रोस्टैक के नाम, और इतनी असीम संभावनाएं इससे निकल करके पैदा हो गई, आप कुछ भी कर सकते। लेकिन मैं उसके बारे में बात में आपसे बात करूंगा, पहले हमने किया क्या, आपको बताया कि जब ये माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट हासिल किया, मेरी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से बात हुई और हमने उनसे कहा कि हम उत्तर प्रदेश को इसमें लागू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश नहीं, वो तो वहाँ पे कर्नाटका है, वहाँ महाराष्ट्र है, अन्य राज्यों का नाम लेकिन उन राज्यों में इस प्रकार का काम बहुत हुआ है, वहाँ पे हम इसको पायलट करेंगे। निकालिए हम लोग भी इसमें हैं, वी विल कम फॉर और हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे, हम इस पर काम करेंगे। और वहाँ से हमारी जर्नी प्रारंभ हुई और आपको जान करके खुशी होगी क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं। उसके बाद कई राउंड हमने बहुत सारे हमने टीपी सिंह साहब को बुलाया, भास्करानंद इंस्टीट्यूट से वहाँ पे अहमदाबाद से उसको बुलाया, एनआरएसएस से बात किया, इतनी सारी चुनौतियाँ थी हमारे सामने, उन सारी चुनौतियों को कितने राउंड हम सारे लोगों ने बैठ करके इसके बारे में चर्चा की। करना हमें जरूर है, अगर भारत सरकार ने लक्ष्य किया है तो उत्तर प्रदेश उसमें, क्योंकि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी की, अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हो तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ी उनकी जो ताकत है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को धरातल पर उतारने का सबसे पहला बीड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी विषय में जो भी उन्होंने अनाउंस किया उसको विजन को, उस विजन को जमीन पे धरातल पर उतारने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं और सारी की सारी हमारी टीम उसमें जुड़ जाती है, हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण, हम सारे लोग जुड़ जाते हैं, उसको कैसे काम करेंगे। और तमाम सारे रोड ब्लॉक्स के बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कृषि सचिव महोदय को और मैं खासतौर से हमारे राजीव चावला साहब को, जो कि हमारे हम भी IIT कानपुर के पढ़े हुए, वो भी हमारे IIT कानपुर के पढ़े, इनका बड़े नाम सुना करता था, इन्होंने बहुत कमाल का काम किया कर्नाटका में रेवेन्यू के बारे में, ईज एन अथॉरिटी ऑन द रेवेन्यू, और उसी को समझ करके मैं समझता हूँ कि कृषि मंत्रालय ने उन्हें आज एक तकनीकी सलाहकार के रूप में उन्हें रखा है। कितने राउंड मैं समझता हूँ राजीव कितने बार आए, आप सबसे इतनी सारी चीजें सीखने के बाद हमने टीम, हमारे जब टीम हमें कर्नाटका जानी थी तो उस टीम को लीड किसने किया, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने खुद लीड किया, हमारे कृषि मंत्री जी खुद गए और जाकर के उन्होंने देखा कि वहां पे इससे क्या फर्क पड़ा। उन्होंने आगे मुझे बताया कि आप बात करिए और कहिए कि जो कर्नाटका में काम है उस काम को कैसे हम लोग कर सकते हैं, और हमें इस बात का विश्वास था कि हम लोग कर सकते हैं। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से, वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से, वहाँ के रेवेन्यू सेक्रेटरी से, रिलीफ के जो कमिश्नर, सबसे लगातार हम लोग की चर्चा हो रही थी और नतीजा ये निकला कि आज मैं बता दूं कि हमारे पास 6.69 करोड़ मैप्स, जो हमारे प्लॉट के मैप्स थे जिसको हम लोग डिजिटाइज कर सकते थे, उसको हम जियो रेफरेंस कर सकते थे, 6.69 out of 7.82, क्योंकि बाकी के हमारे पास मैप ही नहीं थे और उसके मैप की आगे कार्रवाई करनी थी। और 6.69 करोड़ में से 6.49 करोड़ का जियो रेफरेंस हमने उत्तर प्रदेश में कर लिया, यानी लगभग 100% हमारे प्लॉट्स को एक एक का, जैसे कि आपका डिजिटल अकाउंट आपका जो जैसे कि आपका बन गया क्या कहते हैं आधार कार्ड बन गया, ऐसे हर प्लॉट का हमने आधार कार्ड बना दिया, उसकी पहचान हमने बना दी। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, उस चैलेंज को आज उत्तर प्रदेश ने पूरा किया
और हम बाकी बचे जो 6.21 हजार है उनको भी बहुत जल्दी 21 लाख को पूरा कर। जब 2023 में कृषि मंत्रालय ने अनाउंस किया कि हम जब आपने प्लॉट का जो इस तरह का डिजिटल रिकॉर्ड बना लिया तो हम डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे, हम तो बहुत पीछे थे। मैंने कहा शुरुआत ही हमारी जीरो से हुई थी, हमारा असली काम तो पर सारी चीज करते करते 23 मार्च आ गया जब मैंने इसमें अपना काम चालू किया था, इसका डिजिटाइज करने का काम चालू किया था। तो हमने कृषि मंत्रालय से अनिल मनोज को मैं धन्यवाद दूंगा और वो हमारी बातों को समय मुझे मालूम नहीं समय क्लिक कर जाता है, हमारे क्या कहते हैं हमारे रेफरेंसेस क्लिक कर जाते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम पूरे प्रदेश में तो नहीं कर सकते, हम कुछ एक जनपदों में करेंगे और पूरे प्रदेश में सिंबॉलिक करेंगे ताकि सबको हम ट्रेनिंग कर दे सकें। तो 21 जो हमारा खरीफ पीछे का खरीफ बीता उस खरीफ में हमने 21 जनपद के जिनके लगभग 100% पूरे थे। आप जानते हैं सभी लोग एक बराबर तो काम करते नहीं, सब थोड़ा ऊपर नीचे सब काम करते हैं। 21 जनपदों का जिनका लगभग 100% हमारे जियो रेफरेंस हो चुके थे उनको, और बाकी 54 जनपद हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, बाकी जनपदों के 10-10 गांव हमने इसलिए लिए ताकि वहां के कलेक्टर, वहां के एग्रीकल्चर अधिकारी, वहां के रेवेन्यू अधिकारी उनको भी हम लोग सेंसिटाइज कर सकें, जब वो काम करेंगे उनको सेंसिटाइज कर सकें। इतने लोगों का हमने चैलेंज किया कि हम खरीफ में कितने का हम डिजिटल क्रॉप सर्वे करें। अब डिजिटल क्रॉप सर्वे क्या हुआ, इतना इतनी अच्छी चीज ऐसी चीज निकल कर गई, क्योंकि हमारे जैसे जो लोग IAS ऑफिसर्स है सब रेवेन्यू ऑफिसर्स है, जब हम SDM थे, ADM थे, DM थे, कमिश्नर थे, हर लेवल पे क्रॉप सर्वे होता था और हमको भी एक जिम्मेदारी मिलती थी क्रॉप सर्वे करने का। हम अपना जो पड़ताल करते थे हमारे उत्तर प्रदेश में विंटर पड़ताल कहते हैं, तो विंटर पड़ताल में हम भी जाके क्रॉप सर्वे करते थे। लेकिन हम सबको मालूम है कि ज्यादातर हमारा जो क्रॉप सर्वे था वो हमारे लेखपाल साहबान अपने घर में कहीं पे बैठ करके वो सारा सारा बना देते थे। एक जगह बैठा, सारे लोगों को बुलाया, कहाँ पे क्या खेत में लगा, कहाँ क्या खेत में लगा, कहाँ करके उस कुछ कुछ लिख लेते थे। अब उसका कोई मैंने कहा कि जब हमारा फिजिकल फॉर्मेट है तो हमको जांच करने का कोई तरीका ही जो बन गया वही हमारी फान बनी, उसी के फसल पत्री बनी, उसे बाकी सारे रिकॉर्ड हमारे उसके बेसिस पे बनते थे। लेकिन पहले बात उत्तर प्रदेश में जो खरीफ की फसल आई और एक उसमें नए चैलेंजेस आए। नए चैलेंजेस कैसे आए, हमारे लोगों ने कहा करेंगे, हमें इतने सारे फोर्स चाहिए करने के लिए, कैसे करेंगे। लेकिन हमारे सारे जिलाधिकारी इस बात के लिए, मैंने कहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक लग सकता कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उस विजन को जमीन पे उतारा, सारे जिलाधिकारियों ने, हमारे सारे जो वरिष्ठ कृषि अधिकारियों ने सबने तय, और इसको हमने एक नया नाम नहीं तो कहा ई पड़ताल। पड़ताल तो करते ही आप, पड़ताल करना आपकी जिम्मेदारी, आपके वर्क में लिखा हुआ, लेकिन हम ई पड़ताल करते। और ई पड़ताल क्या है कि आपने मोबाइल लिया और मोबाइल लेकर के वहां पे प्लॉट पे गए, प्लॉट पे आपने फोटो खींचा और फोटो खींच के उसमें क्या क्रॉप है या क्या मिस क्रॉप है वो आपने लिख दिया है, ऑफलाइन में ऑटोमेटिक उसको चढ़ गया और उसके हिसाब से ई पड़ताल से एक एक खेत का, चूंकि प्लॉट हमारा जियो रेफरेंस है उसका नेट लॉन्ग है, इसके सारा का सारा हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। मैं धन्यवाद दूंगा कि कृषि मंत्रालय को लगातार तंग करते रहे, राजीव को हम तंग करते रहे कि यहाँ पर ये दिक्कत हो रही वो दिक्कत, शुरुआत में बड़ी सारी दिक्कतें होती थी, लेकिन सारी दिक्कतों को सॉर्ट आउट करते हुए हमारा 100% जो हमारे 21 जनपदों का था, पहले तो हमारे लोगों को कन्विंस किया कि भाई तुम्हारा काम है तो नहीं करना, हम तुम्हें सबसूर कर सकते हैं। सारे लोगों को ट्रेन एक बार में, कई बार ट्रेन की, हमारे माननीय मंत्री जी ट्रेनिंग में थे, हमने सबको ट्रेन किया और दोबारा रिट्रेन किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेन होने के बाद ही नहीं समझ पाते, और उनको रिट्रेन करने जब उनको महसूस होने लगा कि तो बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, वो सारा सारा बड़ा काम करने के उनमें ओनरशिप लाई गई, उसको एक्सेप्टेबिलिटी लाई गई, और नतीजा क्या निकला कि हमारे 21 जनपदों का लगभग हर हफ्ते हम रिव्यू किया करते थे सारे जिलाधिकारियों के साथ। नतीजन हमारे 21 जनपदों का 100% और बाकी जनपदों का 10 प्लॉट, यानी कुल लगभग 1,15,00,000 प्लॉट्स का हमने डिजिटल क्रॉप सर्वे किया। 1,15,00,000 प्लॉट का डिजिटल सर्वे किया, और उसका क्या फायदा निकला आप जानते हैं, केवल इतने से हमारा जो है टोटल जो हम दिखाते थे पुराने पड़ताल में दिखाते थे, क्योंकि हमारा सब कुछ चीज रिकॉर्ड के हिसाब से जो लिख गया उसी के हिसाब से सारा उसकी उसका समिंग अप हो जाता, लगभग 20% हमारे जो 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 फसलें लगी थी करीब 20% ग्रोथ हो गया हमारा पैडी में,
लगभग 18% ग्रोथ हो गया हमारा गन्ने में, जो कि हम सोचते थे सारा 100% सही कहते, यानी हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो गया और वास्तव में वो इकोनॉमी में होता था लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते थे। और फिर हमने कमर कस ली कि हम रबी में तो 100% करके दिखाए, और रबी में हमारा जो 100% करने के लिए जो आपको मैंने आंकड़े दिया कि 6.69 में 6.49 करोड़ तो हम कर चुके थे, इसका जियो रेफरेंस कर चुके थे। और ये करने के बाद जब ने इसको 100% किया तो इसको फिर से दोबारा ट्रेनिंग की, क्योंकि सारे जनपद हमारे आगे 75 जनपद आ गए, और 75 जनपद का हमने करने की कोशिश की तो उसके बाद ये काम चालू हुआ, क्योंकि लोग तो सेंसिटाइज हो चुके थे पूरे प्रदेश में। लेकिन हमारे सामने एक और नई समस्या खड़ी हो गई, वो नई समस्या ये खड़ी हो गई कि किसी ने इसका मी टू प्रोडक्ट तैयार कर दिया, टेक्नोलॉजी का भी काट होता है, और टेक्नोलॉजी का काट ये होता कि आपने बैठ के घर में, पहले आप घर में बैठ करके अपने पूरे खसरे को भरते थे, अब आप कहीं भी बैठ करके किसी कंप्यूटर में बैठ करके ऐसे करेंगे एज इफ वो सारा का सारा आपका पूरा तैयार है, आपको जाने की जरूरत नहीं, कोई फोटो खींचने की जरूरत नहीं, सारा का सारा लेट लॉन्ग सब कुछ तैयार है। फिर दोबारा हम अपने एक्सपर्ट चौला साहब पहुंचे, हम मनोज जी के पास पहुंचे, ये तो कमाल हो गया, अगर लोगों ने इसका ऐसा काट निकाल दिया तो ये इसका करने का फायदा क्या होगा। एक बार दोबारा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कृषि मंत्रालय को, इन्होंने इसके ऊपर फिर से पूरी पूरी मेहनत की और मेहनत करके ऐसे फायर वॉल तैयार किए कि अब इसको कोई काट नहीं सकता। इसको लेकर के हमारा लगभग 1 महीने का वक्त, जो कि बहुत एक प्रेशर वक्त था हमारा, मिस हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश आज मैं बता दूं कि जो 6.49 करोड़ है, आज मैंने फिगर लिया है, इसमें से 2.71 करोड़ का हमने डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा कर लिया, और हमें विश्वास है जिस प्रकार से हमारी पूरी टीम को एक पूरी टीम में एक कमिटमेंट है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। मैं बाकी विषयों में बात नहीं करूंगा, मैं भी हमारे मंत्री जी इसके बारे में बात करें, अभी मैं पूरा फोकस एग्रीकल्चर पे करूंगा, बाकी सारा का सारा अगले 10 दिनों के भीतर इसके पहले के इलेक्शन का कार्य प्रारंभ हो। अभी तो आपने देखा कि कल कुछ पाला पड़ गया था, कुछ एक जगह ओले पड़ गए थे जिसके नाते किसान को नुकसान हुआ, और ये सब हमारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन करता, तब भी मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 10 दिन के भीतर भीतर हम 100% क्रॉप सर्वे करेंगे, और न केवल क्रॉप सर्वे करेंगे बल्कि उसके ऊपर हमारा जो कानून वो है जो नायब तहसीलदार है उसका वो सारा का सारा वेरिफिकेशन भी करेंगे, उसको सर्टिफाई करेंगे, और उसके बाद ये सारा चीज हमारा रिकॉर्ड बनकर तैयार है। आप सोचिए कितना बड़ा काम होगा, और ये अब हमारी आदतों में शुमार हुआ है। अब इसके बाद एक और नई चीज शुरू की गई, क्योंकि इसके पूरे के पूरे पूरे एडमिनिस्ट्रेट के 3 अंग हैं। पहला अंग है प्लॉट इटसेल्फ, प्लॉट को सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लॉट का तो हर एक का जो डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, फिजिकल की जगह डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, वो तो हमने लगभग पूरा कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट है क्रॉप रजिस्ट्री, क्रॉप का भी रजिस्ट्री हमने बना लिया, क्रॉप का भी रजिस्ट्री पूरी पूरी हमने तैयार कर ली, जैसा मैंने बताया कि पहले 21 जनपदों का किया था और हम इस बार 100% सारा कर देंगे। लेकिन तीसरी जो इंपॉर्टेंट रजिस्ट्री है वो है फार्मर्स रजिस्ट्री, किसानों के बारे में, और किसानों की रजिस्ट्री का काम भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कृषि मंत्रालय को, उन्होंने हमें इसका जिम्मेदारी ठहराई और हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। हमारा फरुखाबाद जनपद है, फरुखाबाद जनपद में कुल 5.54 लाख वहां पे हमारे 5.44 लाख वहां पे हमारे किसान हैं, उनका रजिस्ट्री तैयार करना, क्योंकि आप जानते हो आधार कार्ड नहीं है तो आधार का एक डुप्लीकेट आप बनाते हो जिससे कि आप उसे क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो, वो तैयार करके हर एक किसान का KYC, ताकि सही किसान का, हर एक किसान का पहचान हो सके, डिजिटली पहचान हो सके, उसमें फिर कोई किसी प्रकार से कोई उसका डुप्लीकेट ना बना सके। तो ये तैयार करने में 5.44 लाख में आज 1.85 लाख की KYC में हम पूरा करा चुके हैं, और सारे सारे 5.44 लाख का हमने रिकॉर्ड भी सारा सारा डाला। ये बहुत जल्दी अगले सर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अगले 10-15 दिन के भीतर भीतर कल मैं फिर से दोबारा सारे कलेक्टर्स कमिश्नर साथ में मीटिंग करूंगा, एवरी ट्यूजडे में करीब 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगाता हूँ, कल फिर मीटिंग करूंगा कि जिससे कि हम लोग उस काम को पूरा करें। और एक बार फरुखाबाद का काम पूरा हो गया, आप सोचिए कि कितनी बड़ी ताकत आपने बनाई,
किसानों की रजिस्ट्री बन गई अनब्रेकेबल, फार्म्स की रजिस्ट्री बन गई, खेतों की रजिस्ट्री बन गई अनब्रेकेबल, एंड क्रॉप की रजिस्ट्री बन गई अनब्रेकेबल। एक इतनी बड़ी अनंत संभावनाओं को आप शुरुआत कर देते हैं, जो कि मैंने अर्बन मिनिस्ट्री का जब मैं सेक्रेटरी हुआ करता भारत सरकार, इतने सारे काम इस प्रकार के डिजिटल माध्यम से हम करते थे, क्योंकि उसकी फिर कोई अंत नहीं। आप सोचिए कि अभी हमारा जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है फसलों, जो हमारे फसल के बाद में खरीफ के बाद प्रोक्योरमेंट हुआ, रबी के बाद में प्रोक्योरमेंट हमारा शुरू होने जा रहा है। अभी पहली मार्च से हमारा अभी भी रेट सारे तरह डिक्लेयर हुए और उसके बाद हमारी सारी शॉप्स लगेंगी जो हमें खरीदने के लिए। जो किसान अपना माल बेचने आता और यहाँ इंश्योर करने के लिए, ताकि किसान के लिए कोई अड़ातिया इस काम में न करे, कोई सेकंड पार्टी, कोई बीच का बिचौलिया इसमें काम न करे, इसको करने के लिए हम उससे बहुत किस्म का रिकॉर्ड मांगते हैं। कोई रिकॉर्ड मांगने की जरूरत नहीं, सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन आप सबको मालूम है, एपीआई के माध्यम से आप उसको चेक कर सकते हो और चेक करके सीधा किसान आएगा, किसान आकर के अपने इस काम को कर सकता है। कितना काम आसान हो गया। ईज ऑफ लिविंग जो माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश का एक हॉलमार्क है, हर चीज में हम ईज ऑफ लिविंग की बात कर कोशिश करते हैं, हमारे किसानों के लिए कितना आसान हो जाएगा। यही नहीं, कल को किसानों को हमारे निवेश चतुर्वेदी और हमारी जो पूरी एग्रीकल्चर की टीम है, आप उनको बताना चाहेंगे किस प्लॉट में क्या बोना चाहिए, तुम्हारे उसका सॉयल हेल्थ कैसा है, उसके लिए क्या चीज सही है, रबी के लिए, खरीफ के लिए, जाय के लिए, एक एक को एडवाइजरी हम डायरेक्टली यहां से दे सकते हैं और हम देना चालू करें, आने वाले समय में इसको देना चालू करें। कल को उसको किस प्रकार का पानी की, किस प्रकार के, आज जैसे कि कल को ओले पड़े और इससे जो किसानों के क्रॉप का नुकसान हुआ, अब एग्जैक्टली एक एक प्लॉट के बारे में क्या क्या हो सकता है, हम पहले जो आप जानते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स के रूप में बड़े एक मोटा मोटे एस्टिमेट बनाते थे, अब हम बहुत स्पेसिफिक एस्टिमेट बनाएंगे, ताकि जिस किसान का ज्यादा नुकसान हुआ उस किसान को हम उतना उसका उसको कंपनसेट कर सकें। आने वाले समय में किसान को हम कोई भी लाभ देना चाहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड आपको जान करके खुशी होगी, हमारे उत्तर प्रदेश में हमें एक काम दिया, हमने जब इसको जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा कि हम इसको जो है केसीसी को 5 मिनट में करेंगे, पूरा डिस्काइज करेंगे, अगेन हमने इसको चैलेंज किया, बात किया राजीव से, बात किया मैंने मनोज से, बात किया कि अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हो उत्तर प्रदेश को दे दो, क्योंकि ये हम जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, हम उसको पहले करके दिखाएंगे। और आज हमने उत्तर प्रदेश में बैंक के माध्यम से आप 5 मिनट के भीतर केसीसी बना सकते हैं, ये हमने आरबीआई से मदद दी, इसको हमारे बैंक के साथ बैठ के मदद दी, कुछ करने की जरूरत नहीं, सारा के सारे डाटा हमारे ऑनलाइन है, सब एपीआई के माध्यम से दूसरे से बात कर सकते हैं, हम केसीसी तुरंत कर सकते हैं, किसानों को लोन हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं, कोई चेक करने की जरूरत नहीं। इतना सारा किसान भाई हमारे जाते हैं जगह जगह, इनका रिकॉर्ड लाओ, उनका रिकॉर्ड लाओ, ये पेपर वो पेपर, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी, सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन किसानों को लाभ हम इसके माध्यम से तत्काल दे सकते हैं। आप सोचिए कि यही नहीं, मुझे ख्याल है हमने ट्रांसपोर्ट में अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में वैसा से तैयार किया था, बहुत सारे प्राइवेट लोगों ने नई नई ऐप बनाना चालू कर दिया, मैं आगे चलकर अभी तो नहीं, लेकिन आगे चलकर के मैं मनोज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ऐसी व्यवस्था बनाए कि जिससे कोई इसको इम्प्रेगनेट न करने पाए, कोई इसको तोड़ ना पाए, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे लोग इतने क्रिएटिव हैं। मैं IIT कानपुर का पढ़ा हूँ, मैं IIT कानपुर जाता हूँ, देखता हूँ इतने सारे बच्चे इतनी सारी नई नई नवाचार कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, बहुत सारे जो अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बहुत लोग आज की डेट में एक इनोवेशन की संस्कृति पूरे देश में बन गई है, आज स्टार्टअप की संस्कृति पूरे देश में बन गई, जो कि पहले संस्कृति नहीं थी, कुछ कुछ एग्जाम्पल हुआ करते थे। आज हमारे प्रदेश में बहुत तेजी से काम हो रहा है, हम एक बार जब मैं बाद में रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, कृषि मंत्रालय से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको हम लोग ओपन प्लेटफॉर्म पे कर दें, जिससे कि हमारे डाटा को कोई करप्ट न करने पाए, एट द सेम टाइम कुछ नया चीज सोच करके निकाले, ताकि किसानों के लिए, किसानों की सुविधा के लिए हमारे बहुत सारे लोग नई नई चीजें इजाद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्रॉप रजिस्ट्री है, उनके पास फार्म रजिस्ट्री है, उनके पास फार्मर्स रजिस्ट्री है, तीनों के तीनों चीजें हैं। जब तीन हमारे पास डाटा बेस उपलब्ध है, तो आप खुद जानते हो कि किस प्रकार से डिजिटल माध्यम से आप कितनी करोड़ों करोड़ों अनंत संभावनाएं उसमें नहीं पैदा हो जाती है, और आप स्पेसिफिक एड्रेस कर सकते हो। इनफैक्ट मैं बताऊं कि आज के डेट में एग्रीस्टेक के अलावा एग्रीटेक,
ये नई विधान आज से चालू हुई है। मैं तो देखकर कितनी खुशी होती है, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, खुद गांव में हमने किसानी की हुई है, गांव में हम बचपन में खेती की हर चीज हम जानते हैं, बहुत नजदीक से देखो। रात भी मैं एज ए चीफ सेक्रेटरी भी मैं कम से कम एक हफ्ते के लिए अपने गाँव जरूर जाता हूँ। भारत सरकार में सचिव था तब भी मैं जाता था, एक हफ्ते अपने गाँव में जाता था। आज उन चीजों को एग्री स्टैक तो ये हुआ हमारा डाटा, बट एग्री टेक कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से एग्रीकल्चर को हम लोग फर्क ला सकते हैं, चाहे उसको बीज के बारे में, उसके तकनीक के बारे में, उसके उसको विपणन के बारे में, उसके जो बेचने के बारे में, ऐसी कितनी सारी चीजें आप फर्क ला सकते हैं। मैं आपको आपको बने ये सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके, और आज इतने सारे देख करके प्राउड फील होता है कि IIT के बच्चे, अदर इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, मैनेजमेंट के बच्चे, बहुत लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में लगे हुए, और वो पूरा एक नया बिजनेस हो गया, क्योंकि वो इतने सारे मार्जिन थे जो किसानों का क्रॉप इतना नुकसान हो जाता था, उनके प्रोड्यूस इतना नुकसान हो जाता था, उनको बीज उनको सही नहीं मिल पाता, उन्हें से बहुत सारी चीजें इतने सारे नुकसान होते थे किसानों के, अगर उन चीजों को भरपाई करें तो किसान का इनकम अपने आप बहुत सारा बढ़ जाएगा। और आज इतने लोग लगे हुए एग्रीकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, इतने सारे लोग, इतने यंग ब्रेन्स, दिस इज द न्यू इंडिया, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकसित भारत, उनका जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का विकसित उत्तर प्रदेश का जो संकल्प है, उस संकल्प के लिए ये नई सोच पूरी एग्रीकल्चर के फील्ड में पहले कोई सोचते नहीं थे, हम एक बड़ी एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के रूप में लेके चलते थे, और उन संभावनाओं के लिए एग्रीटेक के लिए ये तो वरदान हो गया, जो हमारे जो तीन डायरेक्टरी बने बन गए ये उसके लिए वरदान हो गया। मैं समझता हूं कि इतने उपयोग निकल करके आएंगे जो हम लोग सोच नहीं सकते। आप कई फील्ड में जहां भी आपने ओपन आर्किटेक्चर किया, आप सोच नहीं सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रयोग करके, मशीन लर्निंग के प्रयोग करके पूरे एग्रीकल्चर के फील्ड में क्रांति होगी, और उसका लाभ किसको मिलेगा, हमारे किसान भाइयों को मिलेगा, हमारे किसान को, किसान भाई भी आज के डेट में आप देखो तो किसान भाई भी जब ई-नाम की बात करते हैं तो मोबाइल लेकर के, वो सीधे सीधे हमारा मोबाइल लेकर के किसान भाई बात करते हैं। तो वो जो हमारी ये जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन के लिए ये जो बेस काम जो किया है, वो बेस काम बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, और हमारे यहाँ से, हमारे उत्तर प्रदेश से, मैं खासतौर से हमारे देवेश जी यहाँ पे है, एक्सेलेंट, मैं तो आई जस्ट से 10 out of 10, क्योंकि मैं तो इसको लीड कर रहा था, मैं इसको पूरी एक विजन के साथ में इसको कोशिश कर रहा था धारण पे, बट असली काम करने वाले जो देवेश जी, और यहाँ पे हमारी दूसरी अधिकारी जो यहाँ पे उपस्थित हुई है मनीषा, अभी वो छुट्टी पे है, मनीषा प्रेटिया जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी लेवल का अफसर है, इन दोनों ने बहुत सारा काम किया, और इनके साथ साथ इनकी पूरी टीम ने लग करके काम किया, पूरी टीम ने बहुत सारे काम किया, और एक एक का तो नाम नहीं लूंगा, बट पूरे टीम ने जब भी बहुत अड़चन थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, और मुझे कई बार उनके साथ बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन कभी देवेश ने या कभी मनीषा ने मुझे इस बात के लिए नहीं कहा कि साहब ये बहुत ज्यादा है और आप कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश इस बात के लिए गर्व करता है, उत्तर प्रदेश इस बात का गर्व है कि हमने ये कर दिखाया है जो पूरे देश के लिए उदाहरण है। और मैं यहाँ पे जितने सारे अधिकारी, जितने सारे दूसरे राज्यों से लोग आए, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये हमने सीखा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो मुझे भारत सरकार में 7.5 साल जो काम करने का मौका मिला है, एडिशनल सेक्रेटरी और जो सेक्रेटरी के तौर पे मुझे जो काम करने का मौका मिला, मैंने बड़े नजदीक से माननीय प्रधानमंत्री जी सीखा है कि कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है, केवल हमारा संकल्प की जरूरत है, एक बार संकल्प ले लें, संकल्प से सिद्धि स्वतः हो जाएगी, हमारे लोगों पर विश्वास कर लें ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि जब एक बार हमारे कई सारे जनपदों से जब एक बार आया कि हमारे नेपाल हड़ताल में जाने वाले हैं, वो इस काम को करने वाले नहीं है, कई जगह काम स्टॉप हो गए, लोग मेरे पास आने के कुछ नहीं, ये सब उनका काम है करेंगे, और उनसे वार्ता करो, संवाद करो, और पहले पड़ताल करते थे, अब ई पड़ताल करें, केवल नाम बदला है, तरीका बदला है, जैसे कि पहले आप जब लाइट जलाते थे पुराने जमाने में तो दो पत्थर को लड़ा करके आप जाते थे, अब माचिस से जलाते हैं और वहां पर लाइटों से जला देते, केवल टेक्नोलॉजी बदली है, बाकी काम तो वही है, जो आग निकालते आग निकालने के काम, तो ये हमें सीखा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से,
और ये हमारी संकल्प से सिद्धि है। तो मैं कितने सारे राज्य हैं, मैं आपसे केवल यही कहूंगा कि आप ये समझ सोचिए कि उत्तर प्रदेश ने इतना कर दिया तो हम कैसे करेंगे। हम भी जीरो से शुरुआत की, हमने जीरो से शुरुआत की थी और जीरो से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। और आप सब जहां पे होंगे, जिस किसी लेवल पे होंगे, बहुत सारे राज्य बहुत आगे थे, आप जहां कहीं होंगे वहां से आप फिर यहां पर पहुंच सकते। ये नया भारत है, ये नए भारत की नई सोच और नए भारत का नया संकल्प है, ये विकसित भारत बनने का संकल्प है। मैं आज पूरे दिन जो आज की जो चर्चा होगी उस चर्चा में हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक से और तमाम सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे जो आए हैं, सबकी चर्चा होगी। मैं पहले तो माफी मांगना चाहूंगा, ये मेरे लिए भ्रष्टता है कि माननीय मंत्री जी के बोलने के पहले मैं बोल रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक है जिसमें मुझे जाना है और मैं उसको, आप समझते हो कि मेरी मजबूरियों को आप समझ सकते हो कि मुझे वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से परमिशन लिया। और सहमति उनका हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता रहता, हर जो कार्यक्रम होता है कल्चर का उसमें हमेशा आशीर्वाद मिलता था। 6 तारीख को एक बहुत नई चीज़ करने जा रहे हैं, उसको मेरी माननीय मंत्री जी उसके बारे में बताएंगे जब आप अपना संबोधन करेंगे। वो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके काम किया किसानों के हित में। तो शायद मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जरूर मुख्यमंत्री जी आप लोगों को अवगत कराएंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम परिवर्तन ला सकते हैं। मैं आप सारे लोगों का अपने प्रदेश में आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करूँगा, आप सबका स्वागत करूँगा। और मैं आपसे 2 चीज़ें रिक्वेस्ट करूँगा, आप लखनऊ आए हैं, आज आपका कल्चरल प्रोग्राम है, अगर निवेश संभव हो तो हमारा जो विधान भवन है, विधान भवन में डायनेमिक फसाद लाइट, एक स्पेशल प्रोग्राम करा करके इन सारे लोगों को विधान भवन का डायनेमिक फसाद लाइट, अगर पानी न बरसराओ इन सारे लोगों को दिखाइए कि कैसे हमारा विधान भवन, जैसे दिल्ली में हमारा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन जिस प्रकार से डायनेमिक फसाद लाइट में चल जाता है, आज उत्तर प्रदेश में उस प्रकार का चीज़ है। और एक बार हमारी सड़कों पर एक बार इनको घुमा दीजिए, देखें कि कली में जब अयोध्या से लौट रहा था मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था कि जब G20 जब हुआ तो G20 के बाद G20 के लिए जो हमने तैयारी की, परमानेंट तैयारी की, और वो सारी सड़कें हमारी इतनी खूबसूरत हो गई कि रात में आपको चल करके बहुत आनंद आ जाए। ऐसे भी लखनऊ बहुत खूबसूरत शहर है, और अगर आपको कल अयोध्या से लौटने के बाद मौका मिले तो यहाँ बहुत सारी शिल्प और खासतौर से चिकन वर्ग, जो कि हम अपनी पत्नी के लिए ले जाना चाहेंगे, अपने बच्चों के लिए ले जाना चाहेंगे, अपने खुद के लिए लेना चाहेंगे या अपने पति के लिए ले जाना चाहेंगे, इतना सारा जो चिकन वर्ग आप हमें खरीदेंगे उससे आधे दाम पर लखनऊ में मिल सकता है और बहुत अच्छी क्वालिटी, क्योंकि यहीं से चिकन वर्ग बन करके पूरे देश में जाता है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा खर्च भी करके जाइए, आप लखनऊ आए हैं तो थोड़ा सा खर्च भी करके जाइए। एक बार दोबारा आप सबका अभिनंदन करते हुए, माननीय मंत्री जी का भी यहाँ पर स्वागत करते हुए अपने बाड़ी में विराम दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।